अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फाइंड। दोस्तों, एक भाई का सवाल था कि जनाब, जैसे वीडियोस पर कॉपी स्ट्राइक आती हैं, जैसे किसी की म्यूजिक और वीडियोस वगैरह आप कॉपी करके लगाते हैं तो कॉपी स्ट्राइक आती है, क्या इसी तरह ही हम थंबनेल पर किसी की पिक्चर वगैरह या किसी के जो तहरीर वगैरह लिखी होती है जनाब, हम लगा सकते हैं? यही जानेगा कि शॉर्ट सी वीडियो में लास्ट तक लाजमी देखें, इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन छोटी सी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ छोटा सा इंट्रो के बाद। बात क्लियर कर दो कि जनाब, कुछ ऐसी होती हैं जिस पर लाइसेंस ऐड भी होता है, कुछ तस्वीरें ऐसी जिस पर कॉमन लाइसेंस ऐड होता है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जनाब, आप किसी की मेरी पिक्चर जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी किस्म के प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी किस्म के चीज में भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप यूट्यूब पे इस्तेमाल करें, किसी और चीज पे इस्तेमाल करें, उसमें मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन जो दूसरा अथॉरिटी लाइसेंस होता है जनाब, उसमें मसला होता है जनाब, मेरी मर्जी के अलावा कोई बंदा चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, ये 50-50% जो चांस होते हैं जनाब आपको स्ट्राइक आएगी कि नहीं आएगी, वो उसके मालिक पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसलिए जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं जनाब, इसको जनाब रेकमेंड नहीं करते कि जनाब किसी की पिक्चर वगैरह भी थंबनेल पर भी लगाई जाए। ये जनाब मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जनाब आप किसी की पिक्चर जो है थंबनेल पर नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।